हेलो फ्रेंड्स, आज हम रसमलाई बनाने के लिए न्यू तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने तो 1 लीटर दूध डाल दिया हूँ। इसको अच्छा से गर्म करना है इस तरीके से। देखिए, दो पैकेट डाल दिया तो 1 लीटर ज़रूर हो जाएगा। तो आप अच्छा फुल क्रीम भी डाल सकते, नॉर्मल दूध का भी यूज कर सकते। उसमें आप देखिए, इसको अच्छा तरीके से गर्म करना है। रसमलाई की रेसिपी कैसा बने, ये वीडियो को अच्छा आपने पूरा तक देख सकते तो आपको सीखने को अच्छा चांस मिलेगा। देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको विनीगर ऐड कर देता हूँ। चाहे तो आप लेमन भी ऐड कर सकते, जो आपका घर में अवेलेबल हो। देखिए, थोड़ी सी विनीगर ऐड करना, नहीं तो आप ढक्कन से भी डाल सकते, 2 से 3 ढक्कन। देखिए, इसको अच्छा से उबालने को देना। देखिए, ये तो उबाल गया है। देखिए, दूध भी फाट चुका है। इसकी रसमलाई बनाने में इतना टेस्टी होता है रसमलाई। मैं रसगुल्ला नहीं बनाया, तो इसको रसमलाई का तरीका से बना देता हूँ। देखिए, मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया हूँ। इसमें किशमिश डाल देता हूँ और सैफ्रन कलर यूज करता हूँ। थोड़ी सी आप डालना चाहिए इलायची पाउडर। तो इसको अच्छा से मिलाए, इसको अच्छा से पकना दीजिए। देखिए, मैंने चीनी डाल देता हूँ 200 ग्राम। तो अभी इसको क्या है, थोड़ा ठंडी हो गई, मैं इसको पानी अच्छा तरीक़ा से पानी निचाड़ देता हूँ इसको। देखिए, इस तरीके से पानी निचाड़ना है। इतना सॉफ्ट भी हो चुका है। अभी इसको क्या है, अच्छा तरीक़ा से मालिश करना। चाहे तो आप कितना भी मालिश कर सको, इतना अच्छा से मालिश करना, एक गोल गोल बनाने के लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, मैंने तो इस तरीके से इसको मालिश कर दिया हूँ। अभी इसको छोटी छोटी गोल करना है। करने के बाद इसको इस तरीके से अच्छा से इसको दबा दीजिए। देखिए, इस तरीके से होता है रसमलाई का जो बनने वाली रेसिपी। अभी इसको क्या करना है, आप खुद देखते जाइए। अभी इसमें मैंने पानी डाल दिया था कढ़ाई में। तो देखिए, पानी और शुगर भी ऐड करना है इसको। तो इसके ऊपर पानी गर्म होने के बाद इसके ऊपर डाल दीजिए। तो अभी ऐसे डालने से भी ये टूटेगा नहीं। इतना अच्छा तरीक़े से, इतना परफेक्ट तरीके से अपन रसमलाई की रेसिपी बनाने हैं। देखिए, इस तरीके से अपन बना देना है। इसको अच्छा से 2 से 3 मिनट पानी में अच्छा से उमालना है इस तरीके से। देखिए, अभी अपन का तो रसमलाई भी होने वाली है। देखिए, अभी जो मैंने रसमलाई बनाया था दूध के साथ में, वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कुक विद गोपी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, रसमलाई की रेसिपी नेक्स्ट मिलती है।